क्वेश्चन क्यूरी में दिया है बच्चों ने, एनईडी में आ चुका है. 20 ml ऑफ 0.1 मोलर NaOH इज ट्रिटल विद 0.5 मोलर H2SO4 एट द एंड पॉइंट द रीडिंग विल बी. देखो एक बात सुनो, एक तरफ है NaOH, एक तरफ है H2SO4. अब देखो NaOH के दो मोल चाहिए होते हैं H2SO4 के एक मोल के लिए. अब अगर H2SO4 के मोल को मैं N2 मानता हूँ और NaOH के मोल को N1 मानता हूँ, तो M1 पे किसकी मोलरिटी को मानूंगा? NaOH की, जो कि 0.1 है. V1 में किसके वॉल्यूम को मानूंगा? NaOH की, जो कि 20 ml है. ठीक है जी. और 0.5 मोलरिटी M2 हो जाएगी मेरी, और मुझे चाहिए V2. अच्छा ये सवाल पहले भी ऐसे मैंने कई दफ़ा करवाए, बस वैल्यूज ही चेंज होती हैं. M1 V1 अपॉन N2 इक्वल टू M2 V2 अपॉन N1, ये फार्मूला होता है. ठीक है. और M1 V1 भाई ये 0.1, ये 20. ठीक है जी. और N2 जो है वो 1 है, M2 0.5 है, V2 चाहिए, N1 2 है. 0.5 को 2 से मल्टीप्लाई करो 1 आ जाएगा, 20 को 0.1 से कर लो 2 आ जाएगा, V2 2 आ रहा है,